I think I got a very good ringside view, you know, of the kind of things that you are doing in the state of Rajasthan. I thought it would be a great opportunity to hear from you, you know, about some of the critical decisions that you're taking. But it just so happens that as you were walking in, there was a big decision that was announced away in Bihar. Oh, yes. You know, that Nitish Kumar has decided to move away from Laluji. And the BJP, led by the Prime Minister, himself has now extended an open offer, open welcome of sorts. So, सबसे पहले तो वसुंधरा जी जरा ये बताइए कि आज की ये जो जो हमारा वातावरण राजनीतिक वातावरण बना हुआ है, एक और सेकुलरवाद, एक और करप्शन, डेवलपमेंट वर्सेस द रेस्ट, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को और अपनी खुद की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? First of all, I think that I'm very lucky कि मैं एक विचारधारा के साथ जुड़ने का मुझे एक मौका मिला है. उसमें मैं अकेली नहीं हूँ, उसमें करोड़ों लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसके साथ जुड़ते हैं. बहुत बड़ा परिवार है जिनके साथ जुड़ने का एक मौका मिला है और जिनके साथ मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ. ये बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में बात ली है कि आने वाले समय के अंदर हमको राजनीति नहीं विकास करने की जरूरत है. इतने साल निकल गए हम लोग राजनीति करते हुए एक दूसरे से आ रहे हैं. उस राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजों को खींचने का हम लोगों ने कोशिश किया है. सबसे पहले क्लीन पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स डेडिकेटेड टू द पीपल इन द एक्चुअल सेंस. एंड देन इतने सालों से हम कहते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, परंतु फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग एन एक्चुअल डेडिकेशन ऑफ वर्क टू द पीपल ऑफ द कंट्री. व्हाट नीतीश जी हैज डन टुडे इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस एंड इट वुड बी ओनली राइट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्टी सपोर्ट हिम. You know, there would have been a time, ma'am, maybe a couple of years back, when a decision like this would probably have been described as an opportunistic decision, opportunistic politics, अवसरवाद की राजनीति जिसको कहा जाता था. ये जो अवसरवादी राजनीति है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लालू यादव जी का बयान आ रहा है कि नहीं, नीतीश के ऊपर तो फलाना केस है, धमाका केस है, ये opportunistic politics क्या अब एक huge anti-corruption movement के रूप में आगे आ रही है नरेंद्र मोदी जी और आप जैसे नेताओं के लीडरशिप के अंडर? I think that it's a very बहुत ही visible चीज है सबके सामने. मैंने अगर ये मैंने पूरे देश के अंदर एक लहर बह रही है. यंगस्टर्स जो हैं उनको अब समय नहीं है. जो नया जो नई पीढ़ी है वो जल्दी में है. वो जो पुराने जमाने का था कि देखेंगे करेंगे होगा कब होगा, वो देखते देखते 70 साल निकल गए, वो अब समय नहीं है. सबको कहना है कि हमारी जिंदगी इतनी है और इस जिंदगी के अंदर हमको ये सब फुलफिल करना है और हमें बताइए क्या करने वाले हो और कल करके दीजिए. और इसको अगर हमको फुलफिल करना है तो हम वो पुरानी चीजों को सबको छोड़ते हुए विथ करेज वी नीड टू स्टेप आउट, वी नीड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड वी नीड टू मेक अ डिफरेंस टू द कंट्री. सो डू यू थिंक दैट व्हाट नीतीश कुमार हैज डन टुडे, मैम, जस्ट टू यू नो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, you think what Nitish Kumar has done in many ways has completely redefined the paradigm of secular politics in India? For the longest time, secular versus communal politics was divided. I believe that, first of all, let's not get into the secular and non-secular part of it at all. It's a courageous step, because when you're a chief minister and you've got time to go, every day counts, every hour counts, and nobody who gets there wants to give it up easy. So one wants to keep that in mind when one thinks about this. And at the point of time, the fact that a man of his stature as a chief minister has said that he would prefer to give it up than to rub shoulders with a corrupt ally means that he's prepared to step down and make that kind of step, which not many people would have done. You know, the reason why I was asking the question was, I don't think that at this point isko afsarwadi nahi mana ja sakta hai, kyunki isme hai bahut sare risks bhi hain. It's not a golden ticket to the, you know. No, I agree. And as we speak, you know, the Prime Minister has tweeted
So what one hears is that the BJP certainly is going to support Nitish Kumar in ensuring that he hangs on to the government. But main isme rashtriya rajniti jo hai uska aayam kis prakar se badlega main ye samajhne ki koshish kar raha hu. अभी आपसे पहले कुछ समय पहले यहाँ पर हमारे कांग्रेस के मित्र आए हुए थे और वो उन सब लोगों का दावा ये था कि नीतीश कुमार तो छोड़ के जा ही नहीं सकते क्योंकि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ. अब देखिए एक घंटे के अंदर राजनीति कैसे बदलती है. इससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये अवसरवादी राजनीति कॉम्युनल वर्सेज सेक्युलर पॉलिटिक्स इज देयर अ न्यू पॉलिटिकल पैराडाइम मैम व्हिच इज कमिंग अप अंडर द लीडरशिप ऑफ द बीजेपी टुडे. माय फ्रेंड्स इन द कांग्रेस सेड ही कैन जा ही नहीं सकता सो ही टेकन द रिस्क दैट्स व्हाट वी ऑल एग्री ऑन. कहीं जा ही नहीं सकता तो बट ही हैड टेकन द रिस्क. Who would have thought that the Prime Minister would have got up and stood behind him? So it was a completely different. Now the game's changed, right? But it hadn't started with that. So he had taken a courageous step. And I think that that was the first of many. There are a lot of people who are taking courageous steps in today's day and age. Because there are a lot of people who want to make that change to this country. They want to get away from those horrible scams that we've been through. They want to be able to actually put that money back into this country and make this country, bring this country into its golden age and be part of that golden age. So yes, everyone wants to take that. You know, the Prime Minister has often spoken about being captain of Team India. Now I look at different states. I was just thinking that if you look from north to east to, if you leave the southern states away, barring the state of Orissa and barring West Bengal, there is a BJP presence, BJP footprint in pretty much the entire length and breadth of North, West and East India. What does that tell you, ma'am, about the interpretation that people have about the Bharatiya Janata Party today? About the expectation that people may have? It's also the fact that they have got tired of waiting for the kind of time they're waiting. I don't think any one of us are going to get that chance. Nobody's going to give you 70 years. Nobody's going to allow you to dawdle along and decide when you're going to get to actually doing development agendas. This is a short period of time. People have given you this time to actually make the difference. And they believe you can make the difference. And that is the reason why I see so many people in so much, such a quick time have changed from the tip of this country to the top of this country. There is a change. आप अब की बार दूसरी बार अब की बार आप मुख्यमंत्री पद का आपने भार संभाला था मैम और अगले वर्ष राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं. जब आप पिछली बार जब आप मुख्यमंत्री बनी थी और अब जब आप मुख्यमंत्री बनी हैं, ये जो आप पेस की बात कर रही हैं, लैक ऑफ पेशेंस, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस यू सी इन योर फर्स्ट स्टिंट एज चीफ मिनिस्टर एंड द सेकंड स्टिंट एज चीफ मिनिस्टर? यू लर्न अ लॉट. व्हेन आई केम इन द फर्स्ट थिंग देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिडंट नो एंड सो आई मे हैव मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट आई हैव लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स आई होप एंड इन द टाइम टू कम आई नो हाउ दोज how those things worked. And I know now how to be able to cut some of that time. That time I wouldn't have known because I believe that that was a path that was taken. But now I know you can cut that time. Now I know how you can go straight to the point. And keeping all those things in mind, I'd probably be able to do it a little faster, which we have been able to do. मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, सैन्य वर्ग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है. आपके मुताबिक राष्ट्रवाद का क्या मायना है? Who's an ideal nationalist according to you, ma'am? No, it means a lot of things for a lot of people. But I think at the end of the day, it is about being able to give up everything for the country. If the country takes first priority in front of all of us. And in a way, I believe that we are moving in that direction. Don't talk about the Sainiks itself, because the Sainiks have set an example that none can follow. The Sainiks have set an example of their own blood. They have told you, bar bar bole hain wo, aapke samne bole hain, ki hum to marne ko tayyar hain. हम चलने को तैयार हैं. हम कितना भी माने घायल हुए थे फिर भी हम खड़े होने को तैयार थे. दे तो अपने जान को हथेली पर रख के वो एक अलग एग्जाम्पल है. फिर दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं. सो द आईटी दिस व्हाट दे कॉल टेकीज, दोज टेकीज हु आर नाउ गोइंग आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका में जाते हैं, कहीं और दूसरे देश में जाते हैं, वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है जिसमें टेकीज सबसे आगे हैं. अगर आप देखें तो दूसरे कंट्रीज चाहते हैं कि आईटी वाले, आईटी के टेकीज जो भी हैं वो हमारे यहाँ आए. और एक चीज सब लोग ध्यान में रखते हैं कि ये एक दिस इज अ स्फीयर इन विच इंडियंस एक्सेल.
So there is a nationalism there also in its own fashion. Do you think it lacked, let's say, in pre-2014? Was this sentiment which seems to exist across the country, did it exist to this degree? I believe it. I mean, today the JNU vice chancellor wants to install a tank, for instance, in JNU because he believes that way nationalism badhega usse. Ye sab pehle to nahi hota tha. Nahi, dekhiye, ye mane har ek aadmi jo baitha hai uske khoon mein hai. Nationalism and the love of their country is in their blood. But a lot of other things came over. Today, slowly but surely, we're coming back to that. And we're understanding that if China can stand up for itself, if Japan can stand up for itself, then India will stand up for itself and make itself be heard across the committee of nations. And that is what is happening. Today we are proud. Jab hamare pradhanmantri itne deshon mein jaate hain aur unka naam hota hai aur log unke liye unki baat karte hain. Today we are proud when we see everybody coming together under this prime minister. We've had from one corner of the nation to another, but it's not just about the politics. It's about nationalism that goes with it. It's about the country. It's about being shoulder to shoulder with each other to see that our country benefits from it. I think it's a very important thing. I mean, it's not just words. It's not just words. It's also about the sentiment that you have. It's not just words. I must also ask you before I throw the floor open, ma'am. A lot of bureaucrats who I speak to in Rajasthan tell me that you do a lot of work. बहुत लंबे लंबे दिन जो है आप रखती हैं आप, और बहुत लंबा आपका दिन जो है जल्दी शुरू होता है और रात में बहुत देर जाके खत्म होता है. ये क्या सच है क्या मैम? मतलब व्हाट इज योर डे लाइक? आई'd लाइक टू नो. द होल थिंग इज अबाउट वर्क इन एनी केस. दैट वाज व्हाई वी केम हियर. आई मस्ट टेल यू. So what? It's a 12-hour day. It's a 15-hour day. How many hours do you? As an anchor, I go to office at 11 a.m. I finish off my program at 11 p.m. Is that your day or is your day? Yeah, 12 days. Even 12 hours. 12 hours is comfortable. 12 hours is comfortable. Comfortable. For you. But I would say that yeah, in this setup, one loses one's friends, one loses one's family, and everything is put on hold because of the larger family. So I have enjoyed every minute of it. So the only friend you have is your dog. The Kali. Only friend is not even poor thing. She's also only over there when I give her the time. Mm-hmm. So if I'm going to office, that is when I'm out of the house and gone to my office, that she of course is not there. You know, one of my viewers has also asked me on Twitter that I must ask you that, what do you read? I mean, how do you unwind? अगर आप 12-15 घंटे मैं घर जाके मैं अब आप में कितने भी देर से घर पहुंचूं, चाहे भले ही दो पेज पढ़ूं, परंतु बिना पढ़े नींद नहीं आती है. अखबार पढ़ती हैं आप? क्या पढ़ती हैं आप? हाँ, अखबार पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? अखबार. टीवी? Tell me you watch news TV. I would like to make. Don't break my heart. I would like to not break your heart and say I watch news TV, but I don't watch TV. You don't watch TV? No. भाई ऐसा है, आप लोग सब ब्लड प्रेशर दिलाते हो रोज. तो मैं ये कहा कि अब 12 घंटे ऑफिस में बैठ के ब्लड प्रेशर वैसे होना है, तो यहाँ वापस आके ब्लड प्रेशर कराऊं तो क्या मतलब? नहीं, आई मस्ट आस्क यू मैम, आपने अपने वक्तव्य में आपने कहा कि मीडिया से जुड़ा प्रतिष्ठित वर्ग. आई गॉट अ सेंस दैट यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रतिष्ठित वर्ग ऑफ द मीडिया एंड परहैप्स अ नॉन प्रतिष्ठित वर्ग ऑफ द मीडिया. ये वाज इट सार्केज्म? मतलब क्या आप जरा मीडिया के बारे में जरा अवगत कराएं हमको कि क्या मीडिया से आप परेशान है क्या? कि बहुत बार ऐसा जैसे मैं आपको बताऊं, इन दिल्ली देयर इज अ परसेप्शन दैट बड़ा कॉमनल पोलराइजेशन हो रहा है राजस्थान में. लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे अच्छे दोस्त हैं मीडिया में, सो उससे मैंने कोई पर्सनल ऐसी बात नहीं, परंतु मैं सोचती हूँ जब मैं दूसरे देशों के मीडिया को देखती हूँ, जैसे अब यूके में रहे या अब यूएस में रहे, और फिर जब मैं यहाँ देखती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि कुछ एथिक्स अपने को मीडिया किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है उसमें लाना बहुत जरूरी है. और ये हमसे मत कहिए कि हम कोई रूल्स बना के आपको बताएं, ये आपको अपने ऊपर अपने खुद के कुछ माने पैरामीटर्स बना के उनके अंदर काम करने की जरूरत है. अब फॉर एग्जांपल आई टेक वो जब ट्विन टावर्स गिरे जी. तो आपने कभी किसी की डेड बॉडीज नहीं देखी? कभी माने ऐसी बात नहीं देखी जिससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी हो या गुस्सा हो किसी दूसरे के खिलाफ? यहाँ तो मैंने पूरा एक एक्सीडेंट होता है तो मेरे को सबका खून से लथपथ वो सब दिखाते हैं, क्यों दिखाना? एक दूसरे के बीच में लड़ाई होती है तो उसको आप क्यों नहीं कुछ खुश खबरियां भी सुनाना? गुड न्यूज़ यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो ये कहेंगे कि फ्रंट पेज पढ़ लो ना अखबार का,
तो सुबह जाके जो भी एंटरप्रेन्योर है सबसे पहले जाके जो पहले मिलेगा उसके सिर पे वो फेंक देते हैं। कितना गुस्सा करके जाता है, जब तक आप पहुंचते हो ऑफिस में जीएसटी का सुन लिया, इसका सुन लिया, ऐसा खराब होगा, वैसा गिरेगा, ऐसा नुकसान होगा, ऐसा मरोगे, ऐसा गिरोगे, करते करते वो जब ऑफिस पहुंचा तो उसको किसी का गला दबाना ही है। चलिए अच्छा, आपने आपने इतने सारे आप पूछ रहे मेरे से, मैं इसमें मैं उसको कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने एक दिन डिसाइड कर लिया कि फ्रंट पेज हमारा अच्छे न्यूज को हम देंगे, या जैसे इसराइल में होता है फ्रंट पेज और बैक पेज, ये दो पेजेस ऐसे हैं जो एवरी डे उन्होंने अच्छे न्यूज को दिया है। फ्रंट पेज अच्छा न्यूज है, बैक पेज आपके क्या कहते हैं स्पोर्ट्स का पेज, और अंदर आपने जो बैड न्यूज लिखना है वो बैड न्यूज लिखिए। चलिए, मे बी दैट्स अ गुड आइडिया यू थ्रोन फॉर राहुल हु इज हियर, यू नो मे बी वी कैन कंसीडर अ डे ऑफ गुड न्यूज इन राजस्थान, पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि आप इतने सारे सकारात्मक कार्य आप कर ही रही हैं, आप इतने सकारात्मक कार्य आपने गिनाया यहां पे। भूपेंद्र जी, खाली राजस्थान नहीं पूरे देश में अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। While you have spent a lot on infrastructure, you yourself began by saying that you've learned a lot of lessons from your earlier stint. Now going into next year, what do you think the election campaign really is going to look like? What will be that critical issue that you think you will take to go back to the people? You're not going to be able to make out what the critical issues are till about 7-8 months before the election itself, because lots of things are happening and lots of changes are taking place. So I wouldn't want to comment on that just now. But what about your rivals? So my, let's not talk कि ये इलेक्शंस की वजह से हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये अपने को जो करना है वो बिकॉज अपने को प्रदेश के अंदर विकास करना है, जो अपन ने प्रॉमिस किए थे स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर, जो प्रॉमिस किए थे लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जब गए थे तब, उन प्रॉमिसेस को कितना हम डिलीवर कर सकते हैं उसके ऊपर ही तो जनता विश्वास करेगी। अगर मैंने उनको 100 प्रॉमिस किए थे और उसमें से मैंने 80 प्रॉमिस पूरे कर लिए, तो 80 प्रॉमिस पूरे करने का मतलब यह हुआ कि वो जहां ये 80 थे वहां के लोग तो विश्वास करेंगे कि इन्हें वायदा किया तो वायदा पूरा किया। क्या विपक्ष कहीं खोखला सा दिखता है क्या आपको? There is a certain degree of shallowness, criticism for criticism's sake. Is that the story of opposition in India today? नहीं, मैं ये कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ऑपोजिशन एक अपना खुद का रोल अदा करता है। मैं मानती हूं कि गवर्नेंस विदाउट ऑपोजिशन कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि और पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अपने आप को बेंचमार्क अगेंस्ट माने योरसेल्फ कर सकते हो, परंतु जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक आप यही नहीं समझ सकोगे कि कहाँ गलत हो रहे हो। और फिर ईगो वाली बात हो जाती है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो आप तो सोचते हो कि भाई मेरे से सबसे बढ़िया तो और कोई है नहीं। Then how do you जरूरी है कि चार आदमी हो ऐसी माने ऑपोजिशन हो जो बार बार आपको जमीन के ऊपर पैर टेकते रहे और बताते रहे कि भाई ये जमीन है और ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को देख के और उसको सुलझाने का काम हम लगातार करते रहे। एक आखिरी सवाल ऑडियंस से लूंगा, लेकिन उसके पहले सिंस वी ऑन द क्वेश्चन ऑफ ऑपोजिशन एंड द नेसेसिटी ऑफ अ मैच्योर ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यू, बट यस वी वांट अ मैच्योर ऑपोजिशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यू हैज बीन दैट यू हैव समवेयर ऑल्सो अलाउड a communal environment in the state to go, and specifically in the reference of, you know, the entire Pehlu Khan episode, it appeared as if the Rajasthan government was completely clueless. How would you respond to those critiques? I'm sorry to say that I would not agree with that, because as far as any of these incidents are concerned, first of all, 3.5-4 years, 2 or 4 incidents of this sort across your spectrum, and it's the largest state, and let me tell you one thing, all of these have been taken care of. In the Pehlu Khan case, 2 people are having a problem with each other. The moment the police finds out, they get there. I mean, it's not something that is engineered by the government. It is something that has happened between 2 people. And people are, by the way, getting very angsty in this day and age. So there are a lot of people having an angst against each other. But the moment the police found out about it, not only did they get there, 7 people are jailed and they've been charge sheeted. That is what the police will do and what the government will do. So it's what that's, else that's, can you do? That's what I meant, that sometimes criticism is perhaps only for criticism. So I think, again, well, I mean, you know, I don't take their criticism as seriously as I might take some newspapers. Okay, and so they, we'll come back to the question of media. And they need to actually take, I mean, look at it a little bit more carefully,
before they make these sweeping allegations about murders and lynching and all this kind of stuff, when none of that actually happened on the ground. I must say, ma'am, it will be a great pleasure to have these conversations with you on a regular basis. I know that you'll be hard pressed for time, but do try and take time out for some of us pratishthit work, jiska aapne zikr kiya. To ek aakhri sawal le lete hain. Peeche se koi bahut sare log peeche se haath utha rahe the. The girl there. Just introduce yourself. Ma'am, my name is Mohita. Ma'am, female security ko lekar kitna progress hai hamare yahan par? Female security. What are you doing in the state to ensure that there is better security for women in the state? I think that you would have seen that there has been a major improvement over the last 3.5 years here. You would also have seen in Jaipur city itself, I mean in Jaipur itself, that I can't say that incidents are not happening, because incidents will happen, they happen across the country. But if ever something of this nature has happened, they have been immediately, in fact, in the shortest possible time, been caught and taken to task. So that is what governments can do, and governments will continue to do. Thank you. Okay. Thank you so much, Vasundhara ji. Really does one get an opportunity to have this frank and candid conversation with the Chief Minister. Aapka bahut bahut dhanyawad aur hamari dheron shubhkamnaye aapko aane wale samay mein. Thank you.